और जैसे ही प्राइस डाउनसाइड सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर लेता है तो यहाँ जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो सब ट्रिगर होने लग जाते हैं। तो ऐसा अगर चार्ट के ऊपर हो रहा है तो हमें समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है और हम बार बार ट्रेड करके फंस जाते हैं। एंड थर्ड, अगर हम इस सेटअप को क्रिएट होते टाइम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इससे हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो ये सभी सवालों के जवाब वीडियो को लास्ट तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड इस तरह का नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के नए ट्रेडर्स भी यहाँ शॉर्ट सेल करने लग गया, तो यहाँ एक बहुत ही ज्यादा सप्लाई एरिया क्रिएट हो गया। तो मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन के हेल्प से बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स को फंसा रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ है इसी को कहा जाता है इंड्यूसमेंट। तो जैसे ही ये क्रिएट हुआ तो आपके लिए एक सिंपल मूविंग एवरेज है जो बहुत ही अच्छा काम करेगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जब प्राइस ये नीचे आया और इसके नीचे जाके क्लोज कर गया तो यहाँ से सेल करने से आप खुद को कैसे बचा सकते थे। प्राइस जब अप ट्रेंड के दौरान थ्रोबैक करके किसी एरिया में सपोर्ट लेने लग जाते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है प्राइस यहां से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और वो सब ट्रेडर उस आने वाले अप ट्रेंड से मुनाफा कमाने के लिए सपोर्ट एरिया से ही बाय करना शुरू कर देता है और प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखता है सपोर्ट एरिया के नीचे। बट कई बार क्या होता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद अचानक डाउनसाइड मूव कर जाता है और जैसे ही प्राइस डाउनसाइड सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर लेता है तो यहाँ जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो सब ट्रिगर होने लग जाते हैं। अभी इस सिचुएशन में जो ट्रेडर प्राइस एक्शन को देख रहे हैं तो उनको एक परफेक्ट डाउनसाइड का सेल सिग्नल दिखाई देता है और उनको लगता है अभी तो प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो वो इस आने वाला डाउनसाइड मूव से मुनाफा कमाने के लिए शॉर्ट सेल का सेल ऑर्डर डालने लग जाते। बट इस बार भी प्राइस एक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग प्राइस नीचे ना जाके वहीं पे टाइम बिताने लग जाते और अचानक किसी एरिया से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव कर जाता है। तो ऐसा अगर चार्ट के ऊपर हो रहा है तो हमें समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है और हम बार बार ट्रेड करके फंस जाते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकल चार्ट पर भी होते हुए हमें दिखाई देता है। जैसे ये 27 दिसंबर 2023 निफ्टी 50 चार्ट है, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा ये टाइटन का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट, यहाँ पे भी आपको सेम सेटअप देखने को मिल रहा है। ये कैंडल का डेट है 26 अक्टूबर 2023। तीसरा ये SBI का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट, इसमें भी आपको सेम प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। इस कैंडल का डेट है 22 अगस्त 2022। तो मतलब हमें इस तरह का सेटअप चार्ट के ऊपर देखने को मिलते रहते हैं। तो अभी हमें समझना है ये सेटअप क्रिएट होता क्यों है। सेकंड, अगर ये क्रिएट हो रहा है तो इससे हमें बचना कैसे है। एंड थर्ड, अगर हम इस सेटअप को क्रिएट होते टाइम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इससे हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते। तो ये सभी सवालों के जवाब वीडियो को लास्ट तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, प्राइस जब यहाँ सपोर्ट फेस करके ऊपर जाने लगा तो प्राइस अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने जा रहा था और अचानक ट्रेंड के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव हो गया। तो इस तरह का ट्रेंड के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मूव कोई रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता। इसके अलावा प्राइस ये एरिया पर पहुंच गया तो यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया मार्केट, क्योंकि यहाँ जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो हिट हो रहा था, मतलब सेल ऑर्डर आ रहा था। एंड इस तरह का नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के नए ट्रेडर्स भी यहाँ शॉर्ट सेल करने लग गया, तो यहाँ एक बहुत ही ज्यादा सप्लाई एरिया क्रिएट हो गया। लेकिन आगे इतना नेगेटिव एरिया से भी प्राइस ऊपर चला जाता है। तो देखिए, इतना नेगेटिव जोन से प्राइस को ऊपर कोई रिटेल ट्रेडर नहीं ले जा सकता, तो ये कंप्लीट सेटअप के अंदर कोई ना कोई बड़े ट्रेडर्स का हाथ है। तो मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन के हेल्प से बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स को फंसा रहा है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर प्राइस जब यहाँ से नीचे आके सपोर्ट को तोड़ दिया तो इसे इंड्यूसमेंट कहा जाता है और प्राइस जब इस एरिया से फिर से ऊपर चला गया तो इस एरिया को लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में वीडियो का आगे आपको इन डिटेल समझाया जाएगा। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बड़े ट्रेडर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता क्यों है और वो छोटे ट्रेडर को फंसाता क्यों है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने अभी निफ्टी 50 का वही 5 मिनट चार्ट ओपन है। तो इसमें आप देखोगे प्राइस जब ऊपर जा रहा था फिर जब ये यहाँ पे थ्रोबैक किया तो आप देखोगे उसका प्रीवियस प्राइस एक्शन से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप एरिया आपको मिल रहा था। फिर उसके थोड़ा नीचे आप देखोगे ये जो नेगेटिव कैंडल बने हैं इसका हाई से इसका लो तक जो एरिया है इसे ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक
फेयर वैल्यू गैप ये सब क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और एक एक करके सभी वीडियो देखिए, आपको ये सब के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि प्राइस अगर आप ट्रेंड के दौरान थ्रोबैक कर रहा है तो जो फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, वहां पे आके प्राइस सपोर्ट लेने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो नए ट्रेडर है उनको लगता है कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेगा और जो आप ट्रेंड चल रहा था उसको फिर से कंटिन्यू करेगा। इसीलिए वो लोग क्या करता है, जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप एरिया में आके पहुंचता है तो वो अपना नया बाय पोजिशन बनाना शुरू कर देता है, और अगर नया बाय पोजिशन यहाँ पे बनाया जा रहा है तो जो डाउनफॉल आ रहा था वहां पे ये सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। तो देखिए जैसे ये फेयर वैल्यू गैप एरिया में आया, थोड़ा सपोर्ट लेना शुरू किया और ये जो कैंडल आप देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक भी जा चुका था, लेकिन वहीं से फिर से एक सपोर्ट आया, मतलब एक बाइंग प्रेशर आया और प्राइस यहां से फिर से ऊपर जाना शुरू किया। तो आप देखोगे प्राइस जैसे ये ऊपर जाना शुरू किया तो जो लोग यहां पे बाय किए थे वो कहां पे स्टॉप लॉस रखेगा, वो प्राइस एक्शन को देखेगा, तो प्राइस एक्शन से उनको दिखाई दे रहा था कि ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक का लोअर एरिया है और उसके नीचे ये जो कैंडल बनाया यहाँ पे एक हैमर कैंडल जैसा बनाया तो उसका लो का थोड़ा नीचे अपना एसएल रखेगा। एसएल का मतलब क्या है, यहाँ पे बाय क्या है, तो यहाँ तक अगर प्राइस नीचे तक आ जाता है तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट मतलब सेल कर जाएगा, तो यहाँ पे सेल ऑर्डर रख देगा। तो प्राइस जैसे ही ऊपर जा रहा है तो इस दौरान अगर कोई बड़े ट्रेडर इस जगह पे पोजिशन बनाना चाह रहा था कि यहाँ पे पोजिशन बनाया जा सकता है, क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज्यादा टाइम नहीं बिताया और ने ऊपर भागना शुरू कर दिया तो उनको यहाँ पे जितना क्वांटिटी उठाना चाहिए था वो उठा नहीं पाया, तो प्राइस ये ऊपर आ गया। तो अगर वो इस जगह पे उठाना जाएगा तो यहाँ पे उतना सेल ऑर्डर उनको नहीं मिलेगा, तो प्राइस और भी भागना शुरू कर देगा। तो अगर इस तरह का ये भागते हुए प्राइस में बाय करते जाएगा तो उनका जो एवरेज बाइंग होगा वो अपर प्राइस बैंड में आ जाएगा, तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो क्या चाहता है कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस एरिया है, मतलब नीचे का प्राइस एक्शन में बाय करना चाहता है, तो उनको क्या चाहिए, एक नीचे प्राइस मिलना चाहिए। दूसरा चीज, ज्यादा क्वांटिटी में वो उठाना चाहता है तो ज्यादा सेल ऑर्डर चाहिए। तो ये जो एरिया अभी खड़ा हुआ है प्राइस, यहाँ पे उनको ज्यादा क्वांटिटी सेल ऑर्डर मिलेगा नहीं और डिस्काउंट में भी नहीं मिलेगा, तो वो चाहता है कि यहाँ पे जो एसएल पड़ा हुआ है, मतलब सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है, अगर प्राइस को एक बार किसी भी तरह इस एरिया में लाया जाए तो ये एसएल हिट होने लग जाएगा, मतलब यहाँ पे सेल ऑर्डर हिट होने लग जाएगा, तो वो सेल ऑर्डर उनको बाय करने का मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर इस एरिया से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल दे दिया जाए तो यहाँ पे सभी ट्रेडर को दिखाई देगा कि इस तरह का एक स्विंग बनाया, जैसे यहाँ पे ये हाई बनाया तो यहाँ पे ये हो जाएगा लोअर हाई, तो लोअर हाई बनने के बाद ये फिर से नीचे आया और इस लो को एक बार ये क्रॉस करेगा तो प्राइस एक्शन से एक नेगेटिव सिग्नल मिल जाएगा। तो ये सभी ट्रेडर को यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे ये सेल सिग्नल दे रहा है, तो इस सेल सिग्नल को देख के नए ट्रेडर नया सेल पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेगा शॉर्ट सेल करने के लिए। तो यहाँ पे पहले जो ऑर्डर लगा हुआ था स्टॉप लॉस का, वो सेल ऑर्डर हिट होने लगेगा और नया सेल ऑर्डर यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए आएगा, तो यहाँ पे मतलब भर भर के सेलिंग ऑर्डर आने लगेगा और वो सेलिंग ऑर्डर ये बड़े ट्रेडर यहाँ पे उठा के अपना जो क्वांटिटी यहाँ पे उठाना चाह रहा था वो इस जगह पे उठा पाएगा, तो इसीलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस को नीचे लेके आया। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ है इसी को कहा जाता है इंड्यूसमेंट। तो जैसे ही ये क्रिएट हुआ, सेल ऑर्डर उनको मिल गया, सेल ऑर्डर मिलने के बाद आप देखोगे प्राइस इसमें नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन अंत तक वो बायर प्राइस को कंट्रोल किया और धीरे 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 ऊपर लेके चला गया। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस को ऊपर लेके चला गया तो ये जो एरिया बन गया, इस एरिया को कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप, क्योंकि इस जगह पे जितना भी लिक्विडिटी आया था सेल साइड के लिए वो सभी को ट्रैप करके ये बड़े ट्रेडर जो यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है वो अभी ऑब्जर्व करके प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। तो आपको अभी क्लियर हो चुका है कि बड़े ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप क्रिएट क्यों करता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा ये जो बड़े ट्रेडर है अपना प्लान में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि देखिए अगर प्राइस इस जगह पे आने के बाद इस तरह का एक सिग्नल दिया फिर जाके कोई एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल बन जाता तो ये बड़े ट्रेडर के लिए भी यहां से प्राइस को ऊपर खींच के ले जाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि तब इस जगह पे इतना नेगेटिव देख के और नया सेलर यहाँ पे आएगा, फिर अगर कोई और बड़े ट्रेडर यहाँ पे सेल करने लग जाए तो जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप क्रिएट कर रहा है उनके लिए उनका सब सेल ऑर्डर को ऑब्जर्व करके फिर से ऊपर ले जाना उतना आसान नहीं होगा, तो ऐसा सिनेरियो में ये फेल भी हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे आया,
आपको दिखाई दे रहा है प्राइस ऐसा यहाँ पे बन रहा है, और जैसे ही प्राइस इसको भी ब्रेक करके ऊपर आ गया तो आपको लग रहा है कि ये जो ट्रैप क्रिएट किया गया, इसमें जो ट्रैप क्रिएट करने वाला ट्रेडर है वो ट्रैप क्रिएट करने में सक्षम हो रहा है, लेकिन आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि ये अपना ट्रैप क्रिएट करने में पूरी तरह से सक्षम बन गया, तब जाके आपको बाय करना है। तो आपका बाइंग सिग्नल मेरे हिसाब से बनता है ये जो कैंडल बना इसका क्लोज होने पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सेल ऑर्डर आया था ये बहुत ही स्ट्रांग, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग ये यहाँ पे आया था। तो अगर प्राइस यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर जा रहा है तो इस जगह पे ये फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। तो जब तक ना इसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है तब तक आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे। तो ये कैंडल जैसे ही क्लोज हो गया तो आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर ट्रैप क्रिएट किया था वो पूरी तरह से अभी सक्षम है अपने ट्रैप को क्रिएट करने में, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांस है। तो इस जगह पे आपका बाय सिग्नल जनरेट हुआ। लेकिन अभी आप कहोगे कि जब प्राइस यहाँ पे थ्रोबैक किया, अदर ट्रेडर को इस तरह दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप एरिया है, फिर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, तो हमें भी इस तरह का तो दिखाई दे रहा था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद ट्रैप क्रिएट किया जाएगा? तो देखिए अदर ट्रेडर्स को जिस तरह दिखाई दे रहा था आपको भी उस तरह दिखाई देगा, आपको भी नहीं पता होगा कि इसके बाद ट्रैप क्रिएट किया जाएगा, लेकिन कुछ प्राइस एक्शन से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए जब प्राइस नीचे आ रहा था तो कितना स्ट्रांग प्राइस नीचे आया, उसके बाद आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप एरिया में ज्यादा टाइम नहीं बिताया, मतलब तुरंत प्राइस आया और स्ट्रांगली बाइंग प्रेशर आके वे ऊपर भागना शुरू किया। लेकिन जो ऊपर भाग रहा था और नीचे आ रहा था जिस रफ्तार से, उसके कंपैरिजन में मतलब नीचे आने का कंपैरिजन में ऊपर भागने का जो रफ्तार है बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो आपको वेट करना है, एटलीस्ट प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर कोई सिग्नल दे देता तो जाके ये बाइंग सिग्नल अप्रोप्रिएट होता, या फिर यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा टाइम बिताने के बाद कोई सिग्नल देता तो ये अप्रोप्रिएट होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, या फिर इस जगह पे हाई पे जाके फिर इस जगह पे टाइम बिताने के बाद सिग्नल देता तो ये अप्रोप्रिएट होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि ये जो बाइंग सिग्नल आ रहा है ये उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर यहाँ पे स्ट्रांग सिग्नल होता तो जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे इस तरह का फंसाने की कोशिश किया वो फंसाने के लिए यहाँ पे दो बार सोच लेता कि यहाँ पे अगर मैं फंसाने की कोशिश करूँ तो इतना स्ट्रांग प्रेशर के बाद मैं कैसे इसको नीचे ले जाऊँ, अगर नीचे ले भी जा पा रहा हूँ तो क्या मैं वापस लेके आ पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही इतना स्ट्रांग अगर प्रेशर आ रहा है तो उतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि प्राइस को नीचे लाया जाए। फिर उस स्ट्रांग एरिया से नीचे अगर प्राइस एक बार आ रहा है उसको फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर ले जाना भी उतना आसान नहीं होगा उनके लिए, तो इस तरह का ट्रैप वो तब क्रिएट करने के लिए सोचता नहीं है। लेकिन अगर उनको इतना इजी प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है कि प्राइस इस तरह का नीचे आया तुरंत ऊपर गया तो इसको ट्रैप करने में उनको आसान बन जाता है। तो इसीलिए आपको इस तरह का अगर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे, वेट करोगे। दूसरा चीज, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको प्राइस एक्शन का उतना समझ नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए एक सिंपल मूविंग एवरेज है जो बहुत ही अच्छा काम करेगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये 10 पीरियड का सिंपली मूविंग एवरेज है, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आपको एक ही चीज देखना है, जहां पे आपको बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है, जैसे ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपको बाय सिग्नल अच्छे से जनरेट कर रहा था, तो उस जगह पे जो मूविंग एवरेज है वो डाउन स्लोप में नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखोगे ये डाउन स्लोप में है तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना चाहिए। और भी जितना एग्जांपल मैंने आपको बताया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये टाइटन का मैंने आपको बताया था इस एग्जांपल को, तो आप देखिएगा जब प्राइस ये नीचे आया फिर ऊपर जाने के टाइम यहाँ पे आपको सिग्नल दे रहा था तो ये डाउन स्लोप में है, तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए था। अगर आप प्राइस एक्शन को पर नहीं पा रहे तब जाके आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है प्राइस एक्शन से ही आप समझ पा रहे तो आपको इस मूविंग एवरेज का देखने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हमने दिया था SBI का, तो उसमें भी आप देख सकते हो प्राइस ये नीचे आया फिर जब ऊपर जा रहा था तो इस जगह पे सिग्नल जनरेट हुआ, तो इसमें भी आप देखोगे डाउन स्लोप में ये मूविंग एवरेज जा रहा, तो इसमें भी आपका जो बाय सिग्नल जनरेट होता वो उसमें बाय नहीं करना चाहिए था। तो फर्स्ट आप इस जगह से बाय करने से खुद को बचा लिया, लेकिन सेकेंड जब प्राइस ये नीचे आया और इसके नीचे जाके क्लोज कर गया तो यहां से सेल करने से आप खुद को कैसे बचा सकते थे, उसके लिए भी प्राइस एक्शन आपको हेल्प करेगा। जैसे आप देखिएगा प्राइस जब इसको क्रॉस करके क्लोज कर गया तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, लेकिन जब ये प्राइस नीचे आ रहा था तो आपको पता है इसका प्रीवियस प्राइस एक्शन से यहाँ पे जो सेल ऑर्डर आ रहा है ये कोई रिटेल ट्रेडर नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई ना कोई बड़े ट्रेडर का हाथ है,
तो अगर बर ट्रेडर का हाथ है तो आपको लग रहा था कि यहां से ये जो मूवमेंट आया हुआ है ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आपको इसीलिए इस जगह पे सेल नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, तो सेल कब करना चाहिए था? तो देखिए, अगर प्राइस यहाँ पे आया फिर इसके नीचे ही या फिर इसके आसपास ही टाइम बिताने लग गया, फिर कोई सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो वो आपके लिए एक परफेक्ट सेल सिग्नल हो जाता। भले ही ये ट्रैप आपको दिखाई दे रहा था, फिर भी आपको यहाँ पे सेल सिग्नल परफेक्ट हो जाता, क्योंकि कोई भी बड़े ट्रेडर 100% अपना जो प्लान है उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये सिग्नल देने के बाद फिर से यहाँ पे टाइम बिता के फिर सिग्नल दे रहा है, मतलब यहाँ पे वो फाइट किया लेकिन उस फाइट में कामयाब नहीं हो पाया और जो नए सेलर है वो फिर से प्राइस को नीचे खींच लिया, तो जो ट्रैप क्रिएट कर रहा था वो यहाँ पे फेल हो गया और प्राइस नीचे आने के कारण और भी बढ़ गया। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे सिग्नल आपको मिला नहीं है, ये कैंडल में मिल सकता था लेकिन अंत तक फिर से प्राइस को ऊपर खींच लिया गया, तो यहाँ पे आपका जो सिग्नल मिलने वाला था वो नहीं मिला और उसके बाद आप देखोगे प्राइस को फिर से ऊपर खींच लिया गया। तो यहाँ पे दो सिनेरियो आपको याद रखना है, अगर प्राइस इस तरह का शार्प नीचे आ रहा है तो आपको तुरंत सेल नहीं करना है, प्राइस को थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर कोई सिग्नल दे रहा है तो आप सेल कर सकते हो, या दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस इसके बाद और नीचे चला गया तो उसके बाद भी आपको सेल नहीं करना चाहिए था, वहां पे थोड़ा टाइम बिता के कोई सिग्नल दे रहा है फिर सेल कर सकते हो, या फिर थोड़ा पुल बैक करने के बाद कोई सिग्नल रहे तो सेल कर सकते हो। तो ये तो गया, आप इससे कैसे बच सकते थे। लेकिन जब प्राइस इसके ऊपर आ गया तो आपको पता चल रहा था कि ये जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, फिर लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट किया, उसमें वो सक्सेस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बाय करके एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। तो उसके लिए भी आपको प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लेना है, आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये सफल हो सकता है लेकिन उस सफल होने का एक कंफर्मेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, प्राइस एक्शन देखना है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह का आपको प्राइस एक्शन पढ़ना है, लेकिन एग्जांपल ले इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ आया, फिर यहाँ पे जब आया तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ आया, फिर जब प्राइस ऊपर आ रहा है मतलब जो बायर है वो अपने कंट्रोल में ले रहा है, तो वो प्राइस इसके ऊपर जब आ जाएगा, यहाँ पे जो स्विंग बनाया इसके ऊपर आके जब क्लोज कर जाएगा तो वो एक परफेक्ट बाई सिग्नल आपके लिए जनरेट हो जाएगा। तो ये कैंडल जब क्लोज हुआ वो एक परफेक्ट बाई सिग्नल आपके लिए जनरेट हुआ और आपको यहाँ पे पता भी चल रहा था कि ये जो ट्रैप क्रिएट किया गया, जो भी बड़े ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया था वो अपने प्लान में पूरी तरह से यहाँ पे सक्षम बन रहा है और उसके बाद प्राइस एक शार्प ऊपर जाने का चांस दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया आपका एक परफेक्ट बाइंग सिग्नल। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस बहुत ही स्ट्रांग ऊपर गया। तो इसी तरह आप जो ट्रैप क्रिएट किया गया इस जगह पे बड़े ट्रेडर के द्वारा, पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट किया गया फिर लिक्विडिटी ग्राब करके प्राइस को ऊपर लेके गया, इसमें आप पहले खुद को बचा सकते थे फिर उन्हीं का प्लान को समझ के उनके साथ ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते थे। तो ऐसे ही मैं जो दो एग्जांपल दिया था उसमें भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये टाइटन में आप देखोगे प्राइस जब ये नीचे आया और यहां पे आपको बाय सिग्नल जनरेट किया, मतलब पहली बार ये थ्रोबैक किया और यहां पे सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जा रहा था, तो यहां से आप कैसे बच सकते थे? अगर आप प्राइस को पढ़ भी नहीं पा रहे हो तो ये जो मूविंग एवरेज का मैंने आपको ट्रिक बताया उसमें आप देखोगे ये डाउन स्लोप में है, तो इसमें आप बच सकते थे। सेकेंड टाइम आप देखोगे प्राइस जब ये नीचे आया तो इसके नीचे जब ये क्लोज किया उसके बाद देखोगे यहाँ पे टाइम बिता के कोई सेलिंग सिग्नल जनरेट नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे सेल नहीं करना चाहते आपको, तो इस जगह से आप बच सकते थे। और आपका बाय सिग्नल जनरेट होता इसके ऊपर, तो आप देखोगे इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज किया लेकिन ये उतना स्ट्रांग बाइंग कैंडल नहीं है, इसके ऊपर शैडो दिखाई दे रहा है, फिर नेक्स्ट कैंडल भी उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन उसका नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बन रहा है, और कहां पे बन रहा है, इस हाई के ऊपर ये सस्टेन करने के बाद थोड़ा फाइट हुआ और ये अभी बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, फिर उसके बाद देखो प्राइस ऊपर गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है एसबीआई का है, उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें आप देखोगे प्राइस ऊपर गया फिर ये जब नीचे आया यहाँ पे ये सपोर्ट लेना शुरू किया और बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है ये डाउन स्लोप में है, और यहाँ पे जब सेल सिग्नल जनरेट हुआ उसके बाद आप देखोगे कोई फाइट होने के बाद सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ या फिर ये नीचे नहीं गया, यहाँ पे फाइट होने के बाद जितना भी यहाँ पे सेल ऑर्डर था वो सबको एब्जॉर्ब करके जो ट्रैप क्रिएट कर रहा है बाय ट्रेडर वो प्राइस को ऊपर लेके चला गया, और आपका जो बाइंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ इस हाई से ऊपर यहाँ पे ये क्लोज किया लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, ये कैंडल स्ट्रांग था, तो यहाँ पे जो बाइंग सिग्नल आपको मिल रहा था वो एक परफेक्ट बाइंग सिग्नल मिल रहा था। तो ये पूरा वीडियो में आप दो कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ गए, एक है इंड्यूसमेंट, दूसरा है लिक्विडिटी ट्रैप। देखिए ये जो इंड्यूसमेंट है और लिक्विडिटी ट्रैप है
इसका कंसेप्ट को मैं आपको समझाना चाह रहा था। आशा करता हूं ये पूरी वीडियो में जितना भी आपको चीज बताया उसमें से इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन इसको मैं जिस तरह का एग्जांपल आपको दे रहा हूं सिर्फ इसी में सिखा रहा हूं आज, और ये अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है बड़े टेरर के द्वारा। वो मैं आपको आने वाले वीडियो में सब दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से बड़े टेरर इस इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी ट्रैप को यूज करता है अपने फायदे के लिए। तो इस चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ही यूजफुल लर्निंग कंसेप्ट मिलता रहेगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और ये वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिला है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।